Hi, I am Mary Kom. You're watching Expo India. शायद ही कोई 16 दिसंबर 2012 की उस काली रात को याद रखना चाहेगा जब एक लड़की वहशी दरिंदों का शिकार बनी थी। दरिंदगी की हद ये थी कि वो उसके जिस्म को नोच रहे थे और वो दर्द से तड़प रही थी। जिस बस में सफर किया वो जिंदगी का आखिरी सफर निकला। काली अंधेरी सर्द रात में सफेद बस के अंदर देश की एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ उससे दिल्ली के मुंह पर ऐसी कालिक पुती जिसके दाग अभी तक मिट नहीं सके हैं। दर्द से तड़पते लोगों के दर्द को कम करने और डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना पाले उस लड़की की आह आज भी दिल में सिहरन पैदा कर देती है। क्या याद है 16 दिसंबर 2012 की वो काली सर्द रात, या सड़कों पर कैंडल मार्च निकालकर भूल गए उस निर्भया को? अगर नहीं है याद तो आओ जरा एक बार फिर से उस काली रात को याद कर लेते हैं, ताकि जिनका खून पानी हो चुका है या जिनकी भुजाओं ने फड़कना बंद कर दिया है, दर्द से तड़पती देश की उस बेटी की आवाज शायद हर किसी के जमीर को फिर से जगा जाए। 16 दिसंबर 2012, पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रही निर्भया अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर मुनीरिका से द्वारका की ओर बस से अपने घर जा रही थी। अचानक बस में सवार लोग निर्भया के साथ छेड़छाड़ करने लगे। निर्भया के दोस्त ने छेड़छाड़ का विरोध किया, लेकिन उन सब लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसे इतना पीटा गया कि वो बेहोश हो गया, जिसके बाद 6 आरोपियों ने निर्भया के साथ गैंगरेप और वहशीपन की सभी हदों को पार कर दिया। 18 दिसंबर 2012, दरिंदगी की दास्तां धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। भीड़ का गुस्सा बढ़ने लगा। पुलिस ने केस की तफ्तीश शुरू कर दी और जल्द ही आरोपी राम सिंह, मुकेश, विनय शर्मा और पवन गुप्ता को हिरासत में लिया गया। 21 दिसंबर 2012, इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को दिल्ली से और अक्षय ठाकुर को बिहार से गिरफ्तार किया गया। 29 दिसंबर 2012, निर्भया ने रात के करीब 2:15 बजे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में दम तोड़ दिया। 3 जनवरी 2013, पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ हत्या, गैंगरेप, हत्या की कोशिश, अपहरण, डकैती जैसे आरोपों के तहत चार्जशीट दाखिल की। निर्भया के माता पिता ने सभी आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। 17 जनवरी 2013, फास्ट ट्रैक अदालत ने 5 आरोपियों पर आरोप तय किए। 23 जनवरी 2013, जस्टिस जेएस वर्मा की अगुवाई में एक जांच कमेटी का गठन किया गया। 28 जनवरी 2013, स्पेशल पैनल ने अपील की कि इस केस में आरोपी नाबालिग पर अलग कोर्ट में सुनवाई की जाए, साथ ही उसके नाबालिग होने की वजह से उसके साथ कोई रियायत ना बरती जाए। 11 मार्च 2013, केस में मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली। 31 अगस्त 2013, जिला मजिस्ट्रेट गीतांजलि गोयल की अध्यक्षता वाली जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने मेडिकल छात्रा के बलात्कार और हत्या के आरोप में नाबालिग को दोषी ठहराया और उसे 3 साल तक विशेष गृह में रखने की सजा सुनाई। 10 सितंबर 2013, फास्ट ट्रैक अदालत ने 4 अन्य आरोपियों को 13 अपराधों के लिए दोषी ठहराया। 13 सितंबर 2013, सभी आरोपी मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को सजाए मौत दी गई। 13 मार्च 2014, आरोपियों की फांसी की सजा के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा। 18 दिसंबर 2015, दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग दोषी के रिहाई पर रोक की अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया। किशोर को 3 साल की सजा के बाद एनजीओ की निगरानी में रखने का आदेश दिया गया।
3 अप्रैल 2016 19 महीनों के बाद एक बार फिर जस्टिस दीपक मिश्रा, बी गोपाल गौड़ा और कुरियन जोसेफ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में निर्भया केस की सुनवाई की गई। 8 अप्रैल 2016 वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया। 11 जुलाई 2016 से 3 फरवरी 2017 निर्भया गैंगरेप केस में सुनवाई चली। दोषियों ने फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और शीर्ष अदालत की सुनवाई शुरू हुई। 27 मार्च 2017 सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए दोषियों की फांसी के खिलाफ की गई अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 5 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया। 5 मई 2017 शुक्र है देश की बेटी को इंसाफ मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।